सलमान खुर्शीद जी ने अभी कुछ दिनों पहले उनका स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे थे कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट जो बनी वो सिर्फ इस वजह से बनी क्योंकि इट कुड क्लॉ बैक इनलाइटेंड मुस्लिम इनटू इट्स फोल्ड, कांग्रेस कुड क्लॉ देम बैक इनटू देयर फोल्ड। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके आधार पर ही शायद उनका घोषणा पत्र बना है। सलमान खुर्शीद जी ने घोषणा पत्र ऐसा क्यों बना इसका रहस्य ही खोल दिया है। वो फिर से करना चाहते हैं मगर उनको मालूम नहीं है देश की जनता जागरूक हो गई है। आपकी एपीसमेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी कि एक एपीसमेंट जब आप करते हो तो दूसरा वर्ग जागृति के साथ काउंटर प्रोडक्टिव रूप से लामबंद होता है जी। अब ये सफल नहीं होगी। इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है। आपने सीए इम्प्लीमेंट किया, मैनिफेस्टो में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सीए का इम्प्लीमेंटेशन कोविड के कारण लेट हुआ है और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमीन पर उतारना चाहिए। वो प्रक्रिया अब चल रही है और जहां तक घुसपैठ का सवाल है, अब देश के एक ही राज्य से घुसपैठ हो रही है, बंगाल से जी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का उस पर वरद हस्त है। वो घुसपैठियों में अपनी वोट बैंक दिख रही है। उनको घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है। उनको लगता है कि मेरे वोट बढ़ रहे हैं। न केवल बंगाल, समग्र देश के लिए ये बहुत खतरनाक सोच है। मैं बंगाल की जनता को हृदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाइए, इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाइए। हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। इसीलिए सीए का दमखम से वो विरोध भी कर रही है। इसीलिए वो कर रही है, वो कह रही है कि जो है हम सीए कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उनको मालूम नहीं है नागरिकता सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है। शायद मालूम है मगर माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए वो बोल रही। अमित जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे। हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है। अमित जी, एक आखिरी सवाल हिंदू मुसलमान की जो चर्चा रही उस पर मुझे आपसे पूछना है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल, एक साल पहले, पासमंदा मुसलमानों को एक आउटरीच भी किया, उनके बारे में बातचीत भी की, उनके बारे में वो सोचते भी काफी हैं। एक तरफ ये बात हो रही है और एक तरफ ये, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पसमंदा मुसलमानों को आउटरीच नहीं किया है जी, ट्राइबल्स को भी किया है, दलित को भी किया है, पिछड़ा वर्ग को भी किया है, गरीबों को किया है, किसानों को किया है, मातृशक्ति को, महिलाओं को किया है, युवाओं को भी किया है। वो उनका काम है, दायित्व है जी। विकास की रेस में जो पिछड़े हैं इनको सबके साथ एक लाइन में लाकर खड़ा करना वो सरकार का दायित्व है। मुझे इसमें कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता। माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं, आपके प्रेडिक्शंस जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था, ये सही हुआ, तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं, गुजरात में हैं आपके साथ, तो गुजरात से शुरुआत करते हैं। पिछले दो चुनावों से 26 में 26 सीटें आ रही हैं, क्या इस बार हैट्रिक करने की आपको पूरी उम्मीद है? निश्चित रूप से गुजरात में हम 26 की 26 सीटें जीतेंगे।
सब और सब, मार्जिन भी सब सीट पर हमारे 19 के चुनाव से ज्यादा होंगे। कुछ ये बात चल रही थी कि क्षत्रिय जो हैं वो थोड़ा सा रूठे हुए हैं आप लोगों से, आप उनके लिए बरोबर, हम बरोबर संवाद कर रहे हैं उनसे जी, मुझे पूरा भरोसा है सब चीजें अपनी जगह पे ठीक होगी, हम 26 की 26 सीटें भी जीतेंगे और हमारे मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक की ओर चलते हैं, कर्नाटक का चुनाव आपके लिए बहुत अहम है, पिछली बार आप लोगों की वहां बड़ी जीत हुई थी, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आपकी हार भी हुई है हाल फिलहाल में, तो ऐसे में आप कर्नाटक को कैसे देखते हैं, खास करके अभी एक बहुत रमन्ना जी का एक आज आपने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बयान भी दिया है, तो आप जो प्रताड़ित महिलाएं हैं जो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या क्योंकि वो आपके जो वहां पे सदस्य हैं आपका वहां उनसे अलायंस है, तो आप कोई अलायंस के प्रेशर में आ जाएंगे, क्या कठोर कदम उठाएंगे आप? मैंने आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, मगर प्रियंका जी और राहुल जी ये कह रहे कदम क्यों उठाए नहीं जा रहे, शायद उनको मालूम ही नहीं है पोजीशन, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को संभालना होता है और वहां उनकी सरकार है, कदम उनको उठाना है हमें नहीं उठाना है जी, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और किसी भी हालत में कोई भी हो इसको सहन नहीं किया जा सकता और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, और भारत सरकार के विमेन कमीशन ने आज कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भी निकाल दिया है, तो अलायंस का कोई प्रेशर नहीं है, कोई उसके दबाव में आप कभी नहीं आएंगे इस मामले में, ना हम पर दबाव है ना हम दबाव में आएंगे। एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत वाला किस्सा जिसको कि एक लव जिहाद का कलर मिला है, कलर नहीं भाई जी, ये पक्का मामला ही लव जिहाद का है, यही मैं आपसे जानना चाहता था, इस पर अगर आप कुछ बता सके, क्योंकि सीएम और होम मिनिस्टर ने कहा है ये पर्सनल मामला है, वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के कारण ऐसा कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बच्ची को किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्षा कैंपस में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जी, इस तरह से हत्या होती है और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूषण से आप नजरें चुरा रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए, उनको तो बम ब्लास्ट होता है वो भी गैस सिलेंडर का ब्लास्ट लगता है, जब एनआईए जांच लेती है तो पूरा पकड़ा जाता है, बेंगलुरु में 10 साल से बम ब्लास्ट नहीं हुए थे, इनकी सरकार आई एसडीपीआई का समर्थन उड़ लिया और अब बम ब्लास्ट होने लगे, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे, देश की सुरक्षा, बेंगलुरु की सुरक्षा, कर्नाटक की सुरक्षा, इसको भी कांग्रेस पार्टी ताक पर रख रही है। ऐसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, कितनी सीटें देते हैं आप कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को? देखिए अभी एक चुनाव होना बाकी है जी, मगर मुझे लगता है कि कमोबेश हम हमारी पोजीशन को बरकरार रखेंगे, जितनी सीटें पहली थी उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी, ये तो मतलब बड़ा बयान है आपका।